सावधानी आई है उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके लिए व्यापार सही रहेंगे वह भी लिखे हैं। और आपने अपने बच्चे के लिए भी पूछा था तो उनका भी उपाय लिखे, ठीक है। आपका मुख्य सवाल था व्यापार में सफलता, बेटी बोल नहीं पाती ठीक प्रकार से, ठीक है। मानसिक अशांति बनी हुई है, मस्तिष्क में विचार अधिक आते हैं, सोचते कुछ है और करते कुछ है और होता कुछ है, कि विचार में सोचा कुछ और कि हाँ ये काम करूँगा और फिर आपने कर दिया कुछ और फिर उसके बाद वो होता कुछ हो रहा है, इसका परिणाम ठीक रूप से नहीं प्राप्त होता। बड़ी सोच है आपकी कि जो भी करना है बड़ा करना है, छोटे में हाथ नहीं डालोगे, गलती यही है। जो ईश्वरी प्रेरणा से आया वो मैं आपको बता दूँ कि बड़ी सोच है, जो भी करना चाहते हैं बड़ा करना है, और कार्य शुरू करने से पहले ही वह एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। या उस कार्य को कोई टोक देता है तो फिर मन नहीं करता करने का। अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई अड़ंगा आ गया या कोई रोक टोक आ गई तो फिर मन करता है कि छोड़ बेकार है, मन नहीं करेगा फिर उस काम को करने का, ठीक है। तो कार्य प्रारंभ में बहुत सारी अड़चने, रुकावट और सलाह देने वाले अधिक, सलाह देने वाले लोग अधिक आएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले, चाहे वो कहीं के भी हो, समझ रहे हो। कि आप कुछ करना चाहोगे अपने मन से कि हाँ ये कार्य कर लूँ या ये चीज़ कर लूँ, तो उसमें आपको सलाह देने वाले पहले आ जाएंगे कि नहीं भाई इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर वो काम मन के मन में रह जाएगा और वो होगा भी नहीं। जबकि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचते हो और उसमें सफलता मिलने के चांस भी कम से कम 70-80% रहते हैं अगर आप उस कार्य को कर देते हो तो, लेकिन वो सलाह मानने के कारण या रुकावट आने के कारण वो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। छोटे स्तर से कार्य प्रारंभ करें, जो ये सोच है आपकी, अच्छी सोच है आपकी कि जो भी करना है बड़ा करना, बड़ा करोगे लेकिन कैसे, आप छोटे स्तर से शुरू करो। ये मत सोचो कि आप अगर कोई व्यापार करोगे तो पूरा तामझाम मतलब पूरा सेटअप करके तब बैठोगे, नहीं, छोटे स्तर से शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, मंजिल तक खुद पहुंच जाओगे। जैसे सर्दी होती है, सर्दी में कोहरा होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, समझ रहे हैं, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे वो कोहरा छटने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोहरा है, जब आप अपने जीवन में मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चलना शुरू करोगे, आप चलना प्रारंभ करोगे तो वो कोहरा हटने लगेगा, छटने लगेगा कोहरा, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो उसके लिए क्या होगा, आपको चलना शुरू करना पड़ेगा छोटे स्तर से। कोई भी कार्य करो, जैसे आपको व्यापार करना है तो व्यापार के लिए सबसे पहले कोई भी ऐसा वो देखो स्थान कि जहाँ पे आपको व्यापार करना है, और वहाँ पे एक छोटे लेवल से सामान रखना प्रारंभ कर दो। ये मत सोचो कि आप कहीं से फैमिली से सपोर्ट लेकर आप उसके अंदर सामान को रखोगे, या फिर वो जो आवश्यकता है उतना सामान रखो, और धीरे धीरे उसमें प्रगति आनी शुरू हो जाएगी, आप खुद आश्चर्यजनक रूप से उसके अंदर परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। बस क्या है, आपको चलना प्रारंभ करना पड़ेगा, वरना तो ये सोचते रहोगे कि जो भी करना बड़ा करना एकदम से सेटअप लगा के, तो वो हो नहीं पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और उसमें अगर हो भी गया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले मानसिकता जो ईश्वरीय प्रेरणा हमारे पास आई आपके लिए वो यही आया कि आप छोटे स्तर से शुरू करो, इस बात का खास ख्याल रखें, ठीक है। एक कार्य, एक लक्ष्य और एक ही विचारधारा रखें, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। एक काम सोचना है कि हाँ मुझे यही कार्य करना है, फिर एक लक्ष्य कि अब मुझे इसमें सफलता पानी है, और फिर इसके बाद एक विचारधारा, फिर दिमाग डाइवर्ट नहीं करना, उसके लिए उपाय भी लिखे हैं, अभी सुनते जाए। समय के पाबंद नहीं है, समय के पाबंद बने, आलस्य को छोड़े और अपना ध्यान कार्य पर लगाएं। आलस्य को छोड़ना होगा और अपना ध्यान कार्य पर आपको लगाना होगा। समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, अगर आप अपने जीवन में नोटिस करोगे तो आपका समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है।
होगा वो कार्य, ऐसा ना सोचे, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखे, आप सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। वो योग्यता, वो गुण है आपके अंदर, बस आपको क्या करना है, अपने आप को लीड करना है। दूसरों को लीड करने से पहले आप खुद को लीड करो, खुद को नियंत्रण में करो। आपका मन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, बार बार अलग अलग विचार देता है, इसलिए थोड़ा नियंत्रण में रखिए। जीवन में अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा, पार्टनरशिप से बचे, पार्टनरशिप भी करने का विचार ना करें। आप सोचे कि पार्टनरशिप में व्यापार में कर ले तो धोखा होगा और लाभ भी नहीं मिलेगा, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाएगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप बलि का बकरा बनोगे। ये आपके लिए पार्टनरशिप सूट नहीं करती। तो ईश्वरी प्रेरणा से पार्टनरशिप से बचे, करनी पड़े तो लेन देन में सावधानी रखें। लेन देन में क्या है, पैसा ना छोड़े, जैसे कोई काम है आपका, ओके कि परसों ले जाना, आप तरसों ले जाना, तो फंसने के चांस ज्यादा है, फंस जाएगा तो उसको निकालने में दिक्कत होगी, सामने वाले का देने का मन नहीं करेगा, टाल बटोल करेगा। इसीलिए पहले किसी ने बता दिया है, इसीलिए मैं कर पाई, मुझे दो ऑफर थे पार्टनरशिप, तो थोड़ा अपने ऊपर वो रखे, आप खुद के दम पर करोगे, कर्ज ना करे, कर्ज भी हो सकता है, विचार बने तो निकाल लो, क्योंकि कर्ज फिर भारी पड़ जाए, अभी तो ये नहीं है तो ये दुख है, हो जाएगा तो डबल दुख हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ये आया आपके लिए, तो बाकी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। व्यापार आपके लिए प्रॉपर्टी में से कोई, जैसे प्रॉपर्टी होते क्रय विक्रय करना, प्रॉपर्टी का कार्य आपके लिए फलेगा, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बिकवाना खरीदवाना, ये कार्य आपके लिए फलेगा। हार्डवेयर का कार्य आपके लिए फलेगा, कोई हार्डवेयर का कार्य हो, बिजली से जुड़े उपकरण भी आपको लाभ देंगे, मिट्टी से जुड़ा कार्य भी आपको लाभ देगा, और किराने का स्टोर, जैसे खान पान का कोई कार्य भी, जैसे कोई थोक विक्रेता, वो भी कार्य आपको लाभ देगा। सीमेंट, ईंट, रेत और आपका मदरपुर, और या फिर कोई रेंट से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो या कोई मकान हो या कोई जमीन हो, उसको आप रेंट पर देते हो तो उसमें भी आपको धन प्राप्त होगा। खेती, जैसे खेती आप बटाई पर दे सकते हैं, खुद नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्रय विक्रय का कार्य भी आपका सफल होगा, जितने कार्य आपके लिए आए हैं इनमें से आप जो करना चाहें वह कर सकते हैं, इनमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और थोड़ा सा ये सावधानी आपके लिए आई है, इसका ध्यान रखिए, ठीक, वो इस्तेमाल में ना, उससे दुख बनेगा और वो फलेगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में, और इसमें भी बता दूंगा मैं, और ये आपके लिए खास है, ठीक है। क्योंकि हम छुपाते हैं बातों को, वो नहीं करते, सो नहीं करते, आपके लिए खास ध्यान रखना है। आपको किसी भी, आप देखो मैं नहीं जानता क्या है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। जैसे ईश्वरी प्रेरणा नहीं, वो मैंने लिखा है, ये अगर इस्तेमाल करोगे तो स्थिति और ज्यादा डावाडोल होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, प्लस परिवार में भी, जैसे आपके बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भी कष्ट है, ये फलेगा, ये आपका बीमारी के रूप में निकलेगा, और आपका मन भी ज्यादातर मन भी याद कर यही अटकेगा। और थोड़ा सावधान रखे, चाहे किसी देखो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, समझ रहे आप, चाहे छोट, चाहे बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो नुकसान ही देती है। नींद अधिक आएगी, देर से जागने की भी आदत लग सकती है आपको, सावधान, ठीक है। और पितृ दोष लगा है, पितृ दोष की शांति करवाए, उसकी वजह से उन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है, ठीक है। बाद विवाद बनता है और पितृदोष अहम है, पितृदोष की शांति करवाए, और सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने दिल। पत्नी से जीवन में सहयोग प्राप्त होगा, थोड़ा पत्नी की बातों को भी समझे, जो वो कह रही है, थोड़ा अपनी मनमानी ना चलाए या उनकी थोड़ी बातों को समझे, ठीक है। तो इसमें यह आया, पत्नी से जीवन में आपको सहयोग प्राप्त होगा और पत्नी के भाग्य से धन भी आपको प्राप्त होगा।
पत्नी आपके लिए सपोर्टिव है, ठीक है, वही है जो भी है। और हनुमान जी की सेवा प्रारंभ, आदेश आया हनुमान जी की सेवा प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार शनिवार को करना प्रारंभ। छोड़ दिया था ना, अच्छा दुनिया की सेवा नहीं कर था, मैंने काम की वजह से, मेरा काम ऐसा है, डर भी लगता था, मैं तो काम की वजह से नहीं था। ये हनुमान जी के लिए आपका आया है, हनुमान जी की सेवा प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार शनिवार को करें। यहाँ नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं कर सकते, घर पे लाओ, ठीक है, और संभव हो तो चोला भी चढ़ा, कुछ चढ़ा ले तो चोला चढ़ा था घर में पहले चले चढ़ा, करीब चार पाँच साल छः साल थोड़ा गैप हो जाता है, शुरू करो अगर कर सकते हो तो से आपको लाभ हो, ठीक है। नहाने के पानी में काले तिल डालकर नहाए रविवार को, थोड़े से काले तिल लिया था 500 रुपए के डब्बे में भर के अपने बाथरूम में रख लेना, और जब भी नहाने जाओ एक चुटके निकाले पानी में डाले, ठीक है। सुबह थोड़ा खाली पेट गुड़ का सेवन, जैसे पूजा करनी नहाने धोने के बाद थोड़ा सा यह गुड़ मुँह में डालना, इससे आपका मन जो भटकता है ना और सोचे हुए कार्य सफल नहीं, उसमें लाभ मिलेगा, मन नियंत्रण में आएगा आपका, ठीक है। ये उपाय आपके लिए बहुत प्रभावशाली। सूर्य भगवान को जल नित्य अर्पित करें और 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को जल कैसे देना है, जमीन पर खड़े होकर जल नहीं देना है, न ही किसी पेड़ पौधे में जल देना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तुलसी जी के पौधे में जल देते हैं, तो जल पूजा है या आपके लिए बिल्कुल, आप अपने परिवार को उसमें मानते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे लिख दिया, ठीक है, पितृ पूजा है, ये आपके अकेले की, अगर पूरे परिवार की है तो फिर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आपके लिए भी, इसका फायदा आपको भी होगा, बाकी घर पर बात कर रहे हैं, ये घर की नहीं है, ये आपके लिए, ये पूरी घर के लिए, अगर पूरी घर के लिए तो फिर देखो पैसा होता है, पितृ पूजा पूरे कुल की होगी, अगर कुल कोई मना कर देता है कि नहीं भाई हमारा बजट नहीं है तो फिर उसको उसके अलग अलग होता है, नहीं जैसे हमारे घर की आपके घर के लिए, आप वैसे कितने भाई हो, दो भाई हैं, दो भाई हैं वो आपके लिए। पितृपूजा आपके पूरे घर के लिए 11,000 रुपये दक्षिणा है, 10 सामग्री है, ठीक है। अमावस्या तिथि पर आपको सफेद वस्तु का भी दान प्रारंभ करना है, अमावस्या तिथि को मंदिर में दूध दान कर दिया, चावल दान कर दिया, चीनी दान कर दान कर दी, ठीक है। इस प्रकार की आप दान करोगे तो थोड़ा सा देखो क्या होता है, ये एक तो होता है पितरों का पिंड दान, वो संपूर्ण उसका होता है, फिर हमें पूरे जीवन में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको इस बात को समझा रहा हूँ, पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमसे पहले जा चुके हैं संसार को छोड़कर, और जिनकी दया से कृपा से हमें ये सांसारिक जीवन मिला है, ठीक है, अब वे वहाँ उस लोक में जा चुके हैं, जो हम दान करेंगे वो उन तक जाएगा, वो उनको प्राप्त होगा। आप कुछ भी दान करोगे अपने पितरों के निमित्त, जो दान करे वो अलग है, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कहकर कि ये मैं अपने पितरों के निमित्त दान कर रहा हूँ, तो वो पितरों के लिए जाएगा, और आप ऐसे ही सिंपल दान कर रहे तो वो आपका आपके भाग्य में जाएगा कि आप दान करें। आज की डेट में आप जितना धर्म से जुड़ोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। अपनी कमाई का 10% हिस्सा शास्त्रों के अनुसार दान करने को कहा जाता है, लेकिन आज की डेट में कोई नहीं करता है, इसलिए उसका धन का नुकसान होता है, डॉक्टरी में पैसा जाता है, ठीक है, वाद विवाद में पैसा जाता है, पैसा मर जाता है, ब्याज में पैसा जाता है, कर्ज में इंसान डूब जाता है, तो इसकी वजह से समस्या बनती है। ये नहीं कि आपने पितृ पूजा करवाई, ठीक है, तो वो चीज पितृ की ये पूजा जो होती है ये 5 साल की है, हमारा ज्योतिष में देखो बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, हमारा कोई ऐसा नहीं है, ये 5 साल की पूजा है, 5 साल तक दोष से बचे रहेंगे, 5 साल के बाद फिर करवाएंगे, क्योंकि ये आजीवन नहीं है। पिंडदान होता है वो फिर बोध गया में होती है, बिहार में एक स्थान है बोध गया, वहां पर फिर पिंडदान होता है, उसमें फिर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए भी, खुद के लिए भी पिंडदान होता है,
तो सारा सामान दिया जाता है, खाट वगैरह सब चीज, मतलब पूरा सामान, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये क्या है, सबसे आसान तरीका यही है, ये हवन के, हवन होता है, हवन के माध्यम से पुत्र को तृप्ति मिलती है, वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे फले फूले, खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे, ठीक है, तो ये उनको लाभ प्राप्त होता है। ये 5 साल की पूजा, ये नहीं कि आपको ये, बहुत से लोग तो बताएंगे भी नहीं, वो बोलते हैं बस आप तो ये मान लो करवा लोगे, और वो ये नहीं बताएंगे कब तक ऐसा नहीं। देखो एक फोन है, आप फोन चार्ज कर दिया तो उसका एक समय है ना, वो ये तो है नहीं कि आपने एक बार चार्ज कर दिया तो कभी वो डाउन नहीं होगा, तो यही ऐसी ऊर्जा होती है। आप जैसे आपने एक बार खाना खा लिया तो एक बार खाने से आपका पेट तो नहीं भरेगा, दोबारा आपको खाना पड़ेगा, समय होता है, समझ रहे, तो ये एक समय है, समझ गया, तो ये एक समय है। फिर 5 साल के बाद दोबारा जब आपके पास जाऊंगा तो इतनी बड़ी धनराशि नहीं है। तो ये आपके लिए पूजा हवन, और बाकी आगे बढ़ो, विचारधारा एक रखो, सफलता आपको प्राप्त होगी, बस विश्वास रखो और छोटे स्तर से शुरू करो।